नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आरोग्य आयुर्वेद में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं, वैसे तो बेहद साधारण विषय है, लेकिन इससे काफी लोग प्रभावित रहते हैं, खासकर जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं वो इससे ज्यादा प्रभावित रहते हैं। तो आज का जो हमारा विषय वो है बहुमूत्रता। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले इसकी परिभाषा जानते हैं। तो इसकी जो पहली परिभाषा होगी वो क्या होगी, मूत्र का अत्यधिक या असामान्य रूप से निकलना या उत्पादन होना ही बहुमूत्रता कहलाता है। वहीं इसकी जो दूसरी परिभाषा होगी वो क्या होगी, एक ऐसी स्थिति जब शरीर सामान्य से अधिक पेशाब का उत्पादन करता है, और आप जब भी पेशाब करने जाते हैं तो आपको जो है ज्यादा मात्रा में पेशाब आता है, इसी को बहुमूत्रता कहते हैं। आइए तो अब बहुमूत्रता के अन्य नाम जानते हैं। तो देखिए, इस परेशानी के कई नाम होते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है जिस पर हम बात ही कर रहे हैं वो क्या है, बहुमूत्रता। दूसरा जो इसका नाम आता है वो क्या था, बार बार पेशाब आना। तीसरा जो इसका नाम है वो क्या है, अत्यधिक मूत्र उत्पादन। चौथा जो इसका नाम है जो काफी फेमस है वो है पाइल्यूरिया। पांचवा जो इसका नाम है वो क्या है, अर्जेंट यूरिनेशन। और छठा जो इसका नाम आ जाता है वो क्या आता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। तो ये छह नाम है जिससे कि हम इसको जानते हैं। आइए तो अब ये जानते हैं कि बहुमूत्रता क्या होती है। तो देखिए, एक व्यक्ति एक दिन में औसत 5 से 7 बार पेशाब करने जाता है और 24 घंटे में 1 से 1.5 लीटर की मात्रा में पेशाब करता है। अगर आपकी ये दोनों ही मात्राएं ज्यादा हैं तो आप बहुमूत्रता से पीड़ित कहे जाएंगे। अब देखिए, असल में बहुमूत्रता अपने आप में कोई चिकित्सीय बाधा नहीं होती, यानी कि अपने आप में कोई बीमारी नहीं होती है। ये जो है आपके शरीर में किसी अन्य बीमारी या संक्रमण का संकेत होती है। और इसकी एक खास बात और होती है कि ये दिन की अपेक्षा आपको रात में ज्यादा परेशान करती है। आइए तो बहुमूत्रता के कारण जानते हैं। तो देखिए, इसे जरा आप ध्यान से सुनिएगा, ये काफी अहम हो जाते हैं। इसमें सबसे पहला जो कारण होता है वो क्या होता है, डायबिटीज यानी कि मधुमेह। ये इसका जो है ये सबसे प्रमुख कारण एक होता है। दूसरा जो इसका कारण होता है वो क्या होता है, गर्भावस्था। तीसरा जो इसका कारण होता है वो क्या होता है, मूत्रपथ संक्रमण यानी कि UTI। चौथा जो इसका कारण होता है वो क्या होता है, अत्यधिक शराब पीना। पांचवा जो इसका कारण होता है वो क्या होता है, गर्भाशय में कैंसर। छठा जो इसका कारण होता है वो क्या होता है, चिंता। सातवां जो इसका कारण होता है वो क्या होता है, आपका पेल्विस में ट्यूमर या गांठ। आठवां जो इसका कारण होता है वो क्या होता है, आपका प्रोस्टेट बढ़ना। तो देखिए, ये इसके 8 प्रमुख कारण होते हैं। आइए तो बहुमूत्रता के लक्षण जानते हैं। तो इन्हें आप जरा ध्यान से सुनिएगा। पहला जो लक्षण था वो क्या होता है, बार बार पेशाब की इच्छा होना। दूसरा जो इसका लक्षण है वो क्या है, पेशाब में तीव्र गंध आना। तीसरा जो इसका लक्षण है वो क्या है, मूत्राशय पर नियंत्रण नहीं होना। चौथा जो इसका लक्षण है वो क्या है, बुखार। पांचवा जो इसका लक्षण है वो क्या है, पेशाब के दौरान दर्द और जलन होना। छठा जो इसका लक्षण है वो क्या है, पेशाब की इच्छा होने पर उसे टालने में असमर्थ होना। इसके बाद इसका 7वां लक्षण क्या है, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना। और 8वां जो इसका लक्षण है वो क्या है, आपका पेशाब रिसना। तो ये देखिए, इसके 8 प्रमुख लक्षण होते हैं। आइए तो आप बहुमूत्रता से बचाव के बिंदु जानते हैं। तो देखिए, इन्हें आप जरा ध्यान से सुनिएगा, ये काफी अहम बिंदु है जिनसे आप इस परेशानी से बच सकते हैं। तो सबसे पहला बिंदु होता है वो क्या है, कि मीठी चीजों का परहेज करें, मीठी चीजें बिल्कुल भी नहीं खाएं। दूसरा जो आपका बिंदु आ जाता है वो क्या आता है, कॉफी का सेवन बंद कर दें। तीसरा जो इसका बिंदु आ जाता है वो क्या आता है, मिर्च मसाले, ज्यादा खटाई और तेल की चीजें ना खाएं। चौथा जो इसका बिंदु आ जाता है वो क्या आता है, आपका कि खाने में सफाई का विशेष ध्यान रखें। और पांचवा जो बिंदु है वो क्या है, कि हर समय ठंडी जगह पे ना रहें, यानी कि आप जैसे हर समय अंदर बैठे रहते हैं कमरे में या ऐसी जगह पे बैठे रहते हैं जहाँ पे काफी ठंडा माहौल होता है, तो वो ना करें। थोड़ा सा आप जो है बाहर आ जाएं, या थोड़ा सा जो है उस ठंडे माहौल से बाहर निकले। तो ये इसके जो 5 बिंदु हैं जिससे आप इस परेशानी से बचाव कर सकते हैं। आइए तो बहुमूत्रता के घरेलू उपचार जानते हैं। तो देखिए, इस परेशानी को हम घरेलू उपचारों से भी कम कर सकते हैं या सही कर सकते हैं। तो जरा इन उपचारों को आप ध्यान से सुनिएगा। तो इसमें सबसे पहला जो आपका उपचार आता है वो क्या आता है, आंवला। आपको क्या करना है, रोज 2 चम्मच आंवले को 1 गिलास पानी में डालकर पीना है। ऐसा कुछ दिनों तक करेंगे, आपको इस परेशानी में आराम मिलेगा। दूसरा जो आपका उपचार था वो क्या है, केला। आप क्या करें, प्रतिदिन 2 केले
खाएं, लेकिन ध्यान रखें दो से ज्यादा केले नहीं खाएं, नहीं तो आपको कब्ज की परेशानी हो सकती है। तीसरा जो इसका आपका उपचार आता है वो क्या आता है, मेथी के बीज। आप क्या करें, मेथी के बीज लें और उनको थोड़ी सी आंच पर सेक लें और उसके बाद उनका सेवन करें। ऐसा आप लगातार 7 दिन तक करें तो आपको आराम मिलेगा। चौथा जो इसमें आपका उपचार है वो क्या है, पालक। आप क्या करें, पालक को रात्रि के भोजन में शामिल करें, इससे आपको आपकी इस परेशानी में आराम मिलेगा। और आपका जो पांचवा उपचार है वो क्या है, आप क्या करें, चने को भून लें और भूनने के बाद में उसको आप जो है गुड़ के साथ लगातार कुछ दिनों तक सेवन करें, आपकी इस परेशानी में आपको आराम मिल जाएगा। तो ये 5 बेहद आसान घरेलू उपचार है जिनको आप कर आप अपनी इस परेशानी में आराम प्राप्त कर सकते हैं। आइए तो भमूत्रता की आयुर्वेदिक दवाएं जानते हैं। तो देखिए आयुर्वेद में इस परेशानी के लिए काफी दवाएं आती हैं, जिनमें सबसे पहली जो दवाई है और सबसे अहम जो दवाई है वो क्या है, तारकेश्वर रस। ये जो दवा है इस परेशानी के लिए आपके संजीवनी की तरह काम करती है। इसका अगर आप प्रतिदिन सुबह शाम सेवन करेंगे तो आपको आराम मिलेगा। दूसरी जो इसमें दवाई आती है वो आती है आपकी चंद्रप्रभा बटी। तो देखिए चंद्रप्रभा बटी भी इस परेशानी में काफी अहम आपका काम करती है। और तीसरी जो इसमें दवाई आती है वो क्या है आपकी, सोमनाथ रस। तो देखिए सोमनाथ रस इस परेशानी के लिए ही बनी है, आप ये एक तरीके से कह सकते हैं। इसका आप नियमित सेवन करेंगे सुबह शाम तो आपको जो है आपकी परेशानी में आराम मिलेगा। चौथी जो इसमें दवाई आती है वो आती है आपकी बहुमूत्रांतक रस। ये देखिए आपको नाम से पता चल रहा होगा इस परेशानी के लिए उत्तम दवा है, इसका भी अगर आप सुबह शाम सेवन करेंगे तो आपको आराम मिलेगा। इसके बाद आपकी जो 5वीं दवा है वो क्या है आपकी, शिलाजितवादी बटी। ये भी बहुत ही अच्छी इस परेशानी के लिए दवा है, इसका भी आप नियमित सेवन करेंगे तो आपको आराम मिलेगा। तो देखिए जो आपको ये दवाएं बताई हैं इनका आप 3 तरीके से सेवन कर सकते हैं, पानी से, दूध से और शहद से। अब देखिए अगर आपको मधुमेह की समस्या यानी कि डायबिटीज की परेशानी है तो आप शहद को हटा दीजिए, आप दूध या पानी के साथ इन दवाओं का सेवन कर सकते हैं। और आप देखिए इन दवाओं का ऐसा नहीं है कि आपने एक गोली खाई, दो गोली खाई और आपको आराम मिल गया, थोड़ा नियमित रूप से आपको इनका सेवन करना पड़ेगा, तब आपकी जो है परेशानी दूर होगी। तो देखिए आज हमने जो है आपको बहुमूत्रता के बारे में जानकारी दी, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप ये हमें अवश्य बताएं। आपकी कोई परेशानी हो, आपकी कोई ऐसी बीमारी जिसके बारे में आप जानना चाहते हो तो हम उस पर भी प्रकाश डालेंगे। हमारा उद्देश्य बे सरल शब्दों में आपको जानकारी उपलब्ध करवाना है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल के साथ अवश्य जुड़िए, हमें सब्सक्राइब अवश्य करिए। हम आगे भी ऐसे ही आपको वीडियो बनाकर बहुत ही आसान शब्दों में जानकारी उपलब्ध करवाते रहेंगे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।